नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपनिर्वाचन चुनाव की गणना में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सीटों में बढ़त देखकर युवाओं में भारी जोश है। दतिया में भांडेर के उपनिर्वाचन की गणना दौरान पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पुत्र भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपनिर्वाचन चुनाव की गणना चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सीटों में बढ़त देखकर युवाओं में भारी जोश है। दतिया में भांडेर के उपनिर्वाचन की गणना दौरान पहुंचे थे सुकर्ण मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकारा है, इसमें साफ है जनता भाजपा के साथ है। कमलनाथ की वादा खिलाफी, जनता भारी नाराज थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। टीवी पर रुझान देखने मिल रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान की कार्यप्रणाली विकास पर मुहर लगाई है और कांग्रेस ने जो 15 महीने कुशासन किया, इस प्रदेश में लूट मचा दी, भय का वातावरण, भ्रष्टाचार का वातावरण था, उसके खिलाफ जाके वोट किया है। जनता ने इस बार बहुत समझदारी से अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव प्रचार के दौरान ये देखने मिलता था कि जनता में एक उत्साह था, उनको इस बात की खुशी थी कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा लौट के आई और अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मध्य प्रदेश फिर से विकास की ओर, विकास की पटरी पर दौड़ेगा। मध्य प्रदेश में 2003 से 2018 तक भाजपा की सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये करके दिखाया कि किस प्रकार जनता के, गरीब के, मजदूर के, किसान के काम करे जाते हैं। उसके बनिस्पत कांग्रेस झूठ बोल के जो सत्ता में आई थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, कर्जा माफ़ी की बात हो, इनकी पोल जनता ने इस बार उपचुनाव में खोल दी और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जनता के विकास की योजनाएं प्रदेश में बढ़ चढ़कर लागू करेंगे।